गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 3 इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और इसमें कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, कौन से सम एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव एंड सम एलिमेंट आर मॉडरेट। सो लेट अस स्टार्ट अवर एक्टिविटी। द रिएक्टिविटी सीरीज द लिस्ट ऑफ मेटल। ठीक है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ठीक है, मीन्स क्या है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो किस चीज का अरेंजमेंट है, लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन देयर ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी। जिस मेटल की एक्टिविटी डिक्रीज होती है, कम होती है, या फिर जिस मेटल की एक्टिविटी ज्यादा होती है उसको हम लोग पहले रखते हैं, और जिस मेटल की एक्टिविटी कम होती है, जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है, उसको हम लोग उसके बाद अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर परफॉर्मिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सर्टेन डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं उसको अरेंज कर देते हैं, लिस्ट ऑफ अरेंजमेंट कर देते हैं किसके बेसिस पे, और डिक्रीजिंग एक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, फिर द फॉलोइंग सीरीज आर नोन एज रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज बीन डेवलप्ड। ठीक है, तो जब इसको अरेंज कर देते हैं तो एक फॉलोइंग क्या हो जाती है, सीरीज का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस सीरीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज, इसी को रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं और इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज दोनों एक ही होती है। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट देख लेते हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो मतलब पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू सोडियम, एंड देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, सिल्वर के बाद यहाँ पे गोल्ड। ठीक है, तो मतलब ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो देखते हैं कि जो ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, फिर सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, फिर इसी तरीके से कैल्शियम जो है ग्रेट या लार्ज रिएक्टिव टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज ग्रेटर रिएक्टिव एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज कर देते हैं। अब जो यहाँ पे गोल्ड है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग मोस्ट रिएक्टिव से किसकी तरफ मूव करते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल से लीस्ट रिएक्टिव मेटल की तरफ क्या होते हैं, यहाँ पे डिक्रीज होते हैं। मीन्स इस तरीके से ये ऑर्डर क्या होता है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज का जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है। मीन्स जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो किसके से लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ डिस्प्लेस होती है, इसी को हम लोग एक्टिविटी सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हाउ द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर। ठीक है, हाउ मेटल, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, अब तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, तो इन अबव एक्टिविटी द रिएक्शन ऑफ मेटल विद नंबर ऑफ रिएजेंट वाई द मेटल इज मैनर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो वी लर्न अबाउट नोबल गैसेस विच हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, शो द लिटिल केमिकल एक्टिविटी वेयर द एक्सप्लेन्ड एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट आर टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है टू कंप्लीट देयर फिल्ड बैलेंस वैलेंस शेल। ठीक है, तो हम देखते हैं, हैव यू लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल एंड सम एलिमेंट आर मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, नोबल गैसेस का देख लेते हैं पहले। नोबल गैसेस में कौन कौन सी गैस आ जाएंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, यहाँ पे देख लेते हैं अपन।
हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। ठीक है, हीलियम का कितना होता है नंबर 2, नियॉन का 10 एंड आर्गन का 18। ठीक है, तो 2, 10, 18। और इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट सेल जो K होगी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाद इसमें क्या होगी नेक्स्ट वाली जो रहेगी इसमें क्या कौन सी सेल होगी यहाँ पे L M N। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 8, 2, 8, 10 इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे नोबल गैस का अरेंजमेंट होता है। अब जो मेटल होती है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो मेटल का हम कॉन्फिगरेशन देखेंगे, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके बाद क्या वो देख सकते हैं पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम एंड कैल्शियम, सोडियम का जो रहेगा कितना रहेगा 281, 282, 283। ठीक है, इस तरीके से पोटेशियम का क्या रहेगा 288। ठीक है, 288 और लास्ट में कितना रहेगा यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या रहेगा कैल्शियम का कितना रहेगा 288। ठीक है, और यहाँ पे 288 सॉरी यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट इधर अरेंजमेंट इधर अच्छे से अरेंजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम का नंबर कितना 11, 12, 13, 14, 19, 20 ये कितना हो जाएगा 281। इसके बाद 282, 283 के बाद कितना आएगा 2881, 2882। इस तरीके से हम देखते हैं कि मेटल को इस तरीके से हम लोग अरेंज कर देते हैं। उसके बाद इसी तरीके से नॉन मेटल का भी देख लेते हैं। तो ये हो गया मेटल का केस, इसी में हम लोग नॉन मेटल का केस देख लेते हैं यहाँ पे नॉन मेटल। अब नॉन मेटल का केस रहेगा तो नॉन मेटल में कौन कौन सी यहाँ पे अरेंजमेंट आ जाएगा नॉन मेटल में, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, 7 को किस तरीके से अरेंज करेंगे तो 2 और इसमें कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2, 6, क्लोरीन का 9 होता है तो 2, 7, फॉस्फोरस का 15 होता है तो इसका कितना हो जाएगा 15, 2, 8, 5, सल्फर का 16 होता है तो 2, 8, 6, इसी तरीके से क्लोरीन का 17 होता है तो 2, 8, 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इनका अरेंजमेंट जो होता है वो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं उसको बनाना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।